एक होता पाकिस्तानी फौजी और एक होता हिंदुस्तानी फौजी। पाकिस्तानी फौजी अपनी बॉर्डर पे होता, हिंदुस्तानी फौजी अपने बॉर्डर पे होता। अब जो है हिंदुस्तानी बॉर्डर के ऊपर ना नया नया फौजी आता, नया नया तैनात होता। पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर जो फौजी होता वो उसको देखता और उसको देखते के साथ ही इशारा करता, अच्छा भाई हिंदुस्तानी देखते के साथ ही जो है बिन्नोट हो जाता, यार ये क्या इशारा है। फिर पाकिस्तानी का आई कांटेक्ट होता हिंदुस्तानी से, वो उसको फिर एक बार इशारा करता, हिंदुस्तानी फौजी जो है गुस्से में आया था। अब दोनों बॉर्डरों के बीच में एक जगह होती, खाली गैप होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब जो है वो वहां पे चले जाता उधर मेजर के पास और बोलता, साहब ये देखो पाकिस्तानी फौजी उल्टे सीधे मेरे को इशारे कर रहा है, या तो इसको समझाओ या तो इसको मना करो, मेरी ड्यूटी के अंदर जो है खलल आ रहा है, अब क्या करें। अब जो है उसको बुला लेते पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी को बुलाते, तलब करते, पूछते कि जो है भाई तू इसको उल्टे सीधे इशारे कर रहा है। वो बोलता कि मुकर जाता साफ, साहब मैंने तो कोई इशारा नहीं किया। अच्छा भाई, खैर बहस होती, आखिर में पाकिस्तानी मान जाता, हाँ साहब मैंने इसको इशारा किया। अब भाई क्या इशारा किया? पाकिस्तानी बोलता, साहब मैंने तो इसको सिर्फ ये इशारा किया कि हमारी फौजें पहाड़ों पर भी हैं, गारों में भी हैं, फिजाओं में भी हैं। हिंदुस्तानी बोलता, साहब इसने इशारा यही किया लेकिन इसका मतलब कुछ और था। अच्छा भाई, आखिर में सारे सारे थक हार जाते। बीच में जो मुंसिफ होता मेजर, वो भी तंग आया था, वो बोलता अबे साले तू ही बता दे कि इसने क्या इशारा किया और इसका क्या मतलब था। तो हिंदुस्तानी फौजी बोलता कि साहब इस पाकिस्तानी फौजी ने मेरे को इशारा किया है, रात में आना पहाड़ के पीछे ऐसा चूदूंगा आगे बढ़ा।